नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निपथ योजना के संबंध में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को अति आवश्यक बैठक हुई संपन्न। सुझाव कमियों के संबंध में की गई चर्चा। पूर्व सैनिकों ने कहा, बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने की है जरूरत। पानीपुरी बेचने वाले कन्हैया निषाद के पुत्र आकाश निषाद ने 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में 93.8% अंक पाकर जिले में हुए अव्वल। इंजीनियरिंग करके आईएएस बनना चाहते हैं आकाश। अग्निवीर योजना के विरोध में कैंट पुलिस ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर पीएसी जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। एसपी सिटी ने कहा, फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था किया जा रहा है, कायम स्थिति है सामान्य। तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील समाधान दिवस में कुल आए 40 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम हुए जारी। जिले में हाई स्कूल में 88.60% तो इंटरमीडिएट में 84.75% परीक्षार्थी हुए पास। आकाश निषाद 93.83% अंक पाकर बने जिले के टॉपर। मान्या सिंह 93.50% अंक हासिल कर रही दूसरे स्थान पर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शनिवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, बाएं लेन खाली रखने के लिए बार बार अनाउंस करके लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SLWM में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों की बैठक हुई संपन्न। कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों को दिए निर्देश। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई को 10 यातायात बैरियर किया भेंट। कहा, आमजन में यातायात के नियमों एवं कोरोना के प्रति तत्परता और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भेंट किए गए हैं यातायात बैरियर। अब खबरें विस्तार से। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अग्निपथ योजना के संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन में एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों पूर्व सैनिकों से एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया गया तथा उक्त पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों पूर्व सैनिकों द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में सुझाव कमियों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित XJWOB के सिंह ने अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताते हुए यह भी बताया कि जब 6 माह का प्रशिक्षण होने के बाद या सैनिक अनुशासन व देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे तथा 4 साल सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत या देश सेवा के जज्बा लेकर जब बाहर आएंगे सभ्य समाज के लिए अच्छा होगा। बैठक में उपस्थित एक्स ऑनरेडी कैप्टन सत्यनारायण पासी ने अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताई। उन्होंने यह भी बताया कि 4 साल सेवा के उपरांत 75% सैनिक जो विभिन्न सरकारी प्राइवेट सेवा में पुनर्नियोजित होंगे वहां की कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार रहेगा। बैठक में उपस्थित एक्स भास्कर पांडे द्वारा अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताई गई। उनके द्वारा इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि उनके मन में आशंकाओं का निवारण हो सके और वह राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके।
बैठक में उपस्थित एक्स ऑनरेडी फ्लाइंग ऑफिसर उमेश कुमार सिंह द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही समय पर सही कदम बताया और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र सेनाएं किसी भी युद्ध के समय में अच्छी सेना साबित होगी, जिसके पास युवा और प्रशिक्षित सैनिक होंगे जो किसी भी विकट परिस्थिति हेतु तैयार रहेंगे। बैठक में उपस्थित एक्स सूबेदार मेजर रमन दुबे ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के संबंध में कहा कि 4 वर्ष की सेवा के उपरांत यह सैनिक सिविल सेक्टर, अर्धसैनिक बल, राजकीय सेवा आदि में जब सेवारत होंगे वहां का कार्य प्रकृति में काफी बदलाव होगा जो देश हित के लिए काफी श्रेयस्कर होगा। उन्होंने अपने सैन्य सेवा के उपरांत सिविल सेवा के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह रिटायर्ड सैनिक सिविल सेवा में एक बदलाव का जरिया होंगे जो देश हित में होगा। बैठक में उपस्थित एक्स सूबेदार मेजर के सिंह द्वारा अग्निपथ योजना को अच्छा बताया और कहा कि आंदोलनकर्ताओं को योजना के बारे में एक व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तृत रूप से अवगत कराया जाए ताकि जो लोगों के मन में गलत भावनाएं जागृत हो रही हैं के ऊपर बल मिल सके। बैठक में उपस्थित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, अग्निपथ योजना के दृष्टिगत सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड, सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारीगण को उक्त योजना के संबंध में विस्तृत उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया कि भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवक जहाँ ट्रेनिंग के लिए उपस्थित होते हैं वहां पर उक्त योजना के संबंध में बताते हुए उनको मानसिक रूप से मजबूत किया जाए तथा उसकी एक कार्य योजना बनाकर व समन्वय बनाते हुए शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके, जिसके लिए निचले स्तर जैसे उप जिला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, संबंधित अधिकारी, पूर्व सैनिक, ग्राम पंचायत, नगर निकाय से संवाद बनाकर समुचित प्रबंध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों, पूर्व सैनिकों को यह भी अवगत कराया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहेगी, जिसके लिए आप सभी फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप सैनिक प्रशिक्षण केंद्रों पर उपस्थित होकर इसके महत्व के संबंध में बताते हुए कार्य शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की आवश्यकता है। स्वयं द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में अवगत कराते हुए यह अपेक्षा की गई कि छात्रों को समझा बुझाकर व सावधानी व सूझबूझ के साथ समाधान कराएं व सड़क पर एकत्रित न हो तथा छात्रों के रूप में छिपे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए एवं सोशल मीडिया पर सूक्ष्मता से निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अशांति व्यवस्था न फैलने के संबंध में आप लोगों द्वारा स्थानीय एवं जनपद स्तर पर बैठक कराकर अवगत कराया जाए। भीड़ बढ़ाना, माहौल बिगाड़ना किसी भी दशा में ना हो, ना तो आंदोलनकारियों के हित में होगा और ना ही सामाजिक हित में होगा। आप लोग बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं, विभिन्न स्तर पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा संवाद किया जाए और सही जानकारी दी जाए। जब तक बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं रहेगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। 4 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत 75% सैनिक एक प्रशिक्षित अनुशासित व्यक्ति रहेंगे जिसका लाभ औद्योगिक, सामाजिक आदि सेवा क्षेत्रों में काफी हितकर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा, तो सारे हिंदुस्तान में जितने नागरिक है पहले 6 महीना में अग्निपथ से गुजरा है। अग्निपथ के नाम बहुत ही अग्निपथ से सब लोग गुजरे कि उनमें पहले भावना जाए, आम उसकी ट्रेनिंग जाए, बेसिक उनको कल्चर कैसे रखना है, इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड का है। लेकिन होता क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, जितने प्राइवेट स्कूल है जब तक 60 इंटू मान लो 60 लड़कों का क्लास है 60 इंटू 300 जब तक इकट्ठा नहीं होता था जब तक उनके टेबल पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक उनका एग्जाम कराने के लिए शुरू नहीं करवा रहे हैं। सबको उनटेक पता है, जितने भी रेजिमेंट से, बटालियन से, स्क्वाड्रन से, विंग से, शिप से, सबको पता है कि मेरे बटालियन का इंटेक 25 बंदे होंगे। 25 को वो आएंगे कब वो तो बहुत देर की बात है, पहले से उन्होंने बना के रखा हुआ है, मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखा है कि 25 आएंगे तो मतलब कि ये ड्यूटीज होगी, वो ये करेगा।
सब कुछ क्लियर है पहले से, और जिस चीज की ड्राफ्टिंग हमारी 4 साल पहले से चल रही हो, इतने जनरल्स लगे हों, इतने सिविलियन अफसर्स हैं, इतने सेक्रेटेरिएट वाले हैं, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। बस गवर्नमेंट तरफ सिर्फ एक चीज छूटा है, पहले से इसको जो है प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इसके सारे जो जानकारी नहीं उनको दे पा रहे हैं। तो आज 21 साल 22 साल में कोई भी शिक्षा किसी भी तरह का इंजीनियर कोई भी होता 21-22 साल में 11-12 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता। हम पैसे से अपना व्यापार कर सकते हैं, अपनी और शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, अपना कोई छोटे मोटे कंपनी और जो भी है उनको बैठा करके लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये 4 साल में सबसे बड़ी ये बात हमारी होगी कि हमारी जातीयता कोई नहीं होगी, हमारे पास छोटे बड़े का अधिकारी असुर का लिहाज होगा, किस बैठक से किससे बात किया जाए, ये सबसे बड़ी ये जो हमको है ये 4 साल वाली मध्य वर्ष के लिए बच्चों को। तो जैसे हमारे जो लोग हैं जो ये हमारे अकाउंट से जुड़े हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे अग्निपथ के बारे में? आप सब लोग इतनी सर्विस किए हैं, जब हम 40 साल 48 साल 42 साल में आकर के जब हम सर्विस करके दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं, हम सब पोस्ट सिग्नल से रिटायर्ड होकर के आए हैं 19.5 साल की सर्विस करके, और दोबारा हमने RPF में फिर 20 साल किसी गोरखपुर प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर रेलवे में आरपीएफ में रेलवे प्रोटेक्शन कोर्स और वहां करने के बाद हमको आज फिर 1 साल होने वाला रिटायर्ड हो आज 64-65 अच्छा। तो अगर ये 21-22 में आ रहे हैं तो आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगा? हमारी क्षमता बढ़ती है जॉब करने के लिए, हम क्यों नहीं, हमारे पास कमी क्या है उसको दूर करने के लिए हमारे पास ताकत आएगी। अब उसके बाद से हम अन्य प्रकार की प्राइवेट से लेकर के सरकारी जॉब में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सारी। तो हमको आकर के जब हमको 42 साल में आप ले रहे हैं तो न्यू एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिया जाएगा? सर मेरा कहना है आपके अकाउंट के हिसाब से ऑनेस्टी तो प्राइवेट कितना लोगों तक जाएगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए यहाँ सर। सर पेंशन तो खत्म हो गया, एक और इशू है ना। मेरा नाम ललन सिंह, ये अग्निपथ जो सरकार का चलाया हुआ कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यही काम जो पहले था इसका प्रचार प्रसार करके किया गया होता ये बहुत ही अच्छा होता। जैसे मृत्यु में सारे लोग रिटायर होने के बाद से उनका भी कोटा होता है 35% पहले का, ये हमारा नियम है सरकारी गवर्नमेंट का। यह भी जो बच्चे अगर 4 साल के बाद 75% जो बैक होंगे फिर भी उनको यह जॉब किसी भी जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कहीं भी फिर अपना फॉर्म भर के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं वो नहीं होंगे, उनका भी भविष्य एकदम उज्ज्वल है, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत लोग इसको मिसगाइड करके वो कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट का प्लान और बच्चों को इसमें आना चाहिए और सारे गार्जियन अभिभावकों को यह सलाह देनी चाहिए कि आप लोग गलत कदम न उठावें, इसमें एकदम जाएं और प्रेम से नौकरी करें और देश की रक्षा में लगे। अग्निपथ जो सरकार ने लागू किया है इसको नौजवान बच्चे इसको अमल में लाए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेना की नौकरी करेंगे, अनुशासन बनेंगे, अनुशासन से हमारा देश मजबूत होगा। कभी भी एडवांस भ्रमित न हो कि हमारी 4 साल की नौकरी में आप बाहर निकलेंगे इसको आपका फायदा मिलेगा, हर जगह आपको अच्छी नौकरियां मिलेगी और एक अनुशासन बनेंगे, देश तरक्की करेगा। इसलिए नौजवान बच्चों आप लोग जो है भ्रमित मत हुए। मैं शुभराम मेजर अभिनंदन मिश्रा बोल रहा हूँ। जो अभी सरकार की पारसी अग्निपथ है अग्निवीर के लिए जो तैयारी की जा रही है एक आगे चल के अभी तो उनको भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस समय जो 25% लोग मौत में रह जाएंगे उनको उनका क्वालिटी रहेगा, लेकिन जो 75% वहाँ से आ रहे हैं काफ़ी कुछ सीख के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएंगे। अभी महिंद्रा है, दूसरी कंपनियाँ हैं, वो बोलती है कि आप अपने यहाँ PRT देंगे रखेंगे, हर साइड से मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाने के लिए उनको अच्छा चांसेस है। तो
तो आगे चलने के बाद वो 25% जो फौज में नौकरी कर रहे हैं उनसे जब कंपेरिजन करेंगे तो उनसे ये लोग काफी अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और भविष्य के लिए भारत के लिए एक अच्छा पहल रहेगी, हर साइड से टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली काफी अच्छा रहेगा, ये योजना काफी अच्छी है। धन्यवाद। जिले के चौरी चौरा के चौरी गांव के रहने वाले कन्हैया निषाद के सबसे छोटे पुत्र आकाश ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में 93.8% अंक प्राप्त करके सीएम डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। पानीपुरी चाट बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले कन्हैया निषाद और उनकी पत्नी सहित उनका पूरा चौरी गांव सहित पूरा चौरी चौरा क्षेत्र आकाश की सफलता पर प्रफुल्लित है और उसे और पढ़ने तथा उसके द्वारा नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा के हाई स्कूल टॉपर आकाश निषाद ने बताया कि 93.8% अंक प्राप्त किया है। इसकी सफलता मेरे माता पिता और मेरे टीचर जो हमेशा बोर्ड एग्जाम के लिए गाइड तथा सपोर्ट किए। मेरे माता पिता कोई काम करने नहीं देते थे, वह केवल कहते थे तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई किया। उन्होंने कहा कि मेरे पापा पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, उसी से मेरे घर का रोजी रोटी चलता है और उसी से पढ़ाई का फीस पापा भरते हैं। आगे इंजीनियरिंग करने के बाद IAS बनने का सपना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जिला टॉपर आकाश निषाद ने कहा। लगन मिठाई आ गए मेरा नाम आकाश निषाद है और मैंने 93.8% से गोरखपुर में टॉप किया है और मैं GPS इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं कोचिंग में भी पढ़ता था अदर टाइम में अभ्यास कोचिंग में और मैंने ये जो भी सफलता हासिल की है इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को और मेरे जो भी टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है या ऐसे इसमें परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशन कैसे कॉपी में दिखानी, ये सभी हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स का भी मुझे वो फुल सपोर्ट था, वो लोग मुझे उतना काम वर्क वगैरह नहीं करते थे करने के लिए क्योंकि वो कहते थे कि बेटा तुम मतलब पढ़ो, काम वगैरह तो होता रहेगा। और फिर मैंने उनके बाद को ध्यान में रखते हुए मैंने कंसिस्टेंसी से लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई की लगभग और रेगुलरिटी की वजह से मेरा ये स्थान आया है। थैंक यू। और मेरे पापा जो है वो फुलकी का ठेला लगता है, निकी पानीपुरी का ठेला लगता है और वो उसी से मेरा घर पूरा चलता है, उसी में मेरी पढ़ाई की फीस वगैरह भी पापा भरते थे। और मेरा यही सपना है कि मैं आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँ, अगर उसमें सफलता मिलती है तो मैं एक IAS बनना चाहता हूँ और देश में जो है एजुकेशन सिस्टम को मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा जिस जिले में भी मेरा होगा। कैंट पुलिस ने अग्निवीर योजना विरोध प्रदर्शन को देखते हुए PSC जवानों के साथ रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शनों को देखते हुए यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जनपद में किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो पाए, जिसको देखते हुए जिले की पुलिस द्वारा PSC जवानों के साथ रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर व अन्य स्थानों पर फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। उन्होंने कहा अभी तक पुलिस को कहीं पर भी प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ा है, उम्मीद है कि आगे भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, रेलवे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP City कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा। Oh,
जनपद गोरखपुर में अग्निवीर योजना के विरोध में चल रहे विभिन्न प्रकार के प्रदेश भर में प्रदर्शनों को देखते हुए यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रदर्शन किसी प्रकार का ना हो पाए इसके लिए पीएसी एवं जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन, गोरखनाथ मंदिर एवं अन्य संवेदनशील जगहें उन पर सभी जगह फ्लैग मार्च करके शांति व्यवस्था कायम की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार के कोई प्रोटेस्ट का सामना अभी तक पुलिस को नहीं करना पड़ा है और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होगा। तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सदर तहसील के तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनपद के सभी तहसीलों में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद सहित अन्य विभागों से संबंधित आए, जिसमें कुल 40 मामले आए थे, जिसमें से 5 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो मामले आ रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि राजस्व पुलिस विभाग की मदद से मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर तहसील के तहसीलदार वीरेंद्र गुप्ता ने कहा, तहसील दिवस में आज लगभग हर विभाग से सब मामले आ रहे हैं और लगभग 40 मामले अभी तक आए हैं, जिसमें से 5 का निस्तारण किया गया है मौके पर। और हम प्रयास यही कर रहे हैं कि यहीं पे लगभग सारे कानून को लेखपाल में रहे, यहीं पे निस्तारण का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यहाँ हर विभाग से संबंधित मामले। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परिणाम जारी हुआ, जिसमें जनपद में हाई स्कूल में 88.60% स्टूडेंट पास हुए तो इंटरमीडिएट में 84.75% पास हुए। आपको बता दें कि चौरी चौरा
जीपीएस इंटर कॉलेज के स्टूडेंट आकाश निषाद ने 93.83% अंक पाकर जिला टॉप किया। वहीं कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्टूडेंट मान्या सिंह ने 93.50% अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया। जिसके संबंध में हाई स्कूल में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मान्या सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कोरोना और ऑनलाइन क्लास से थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन पूरी तरह से मेहनत की और आज बहुत ही खुशी हो रही है। इसका श्रेय हमारे माता पिता, टीचर, प्रिंसिपल तथा दोस्तों को जाता है। उन्होंने कहा कि आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है। परीक्षा में पास करने वाली हाई स्कूल की अन्य छात्राओं ने कहा कि रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसका श्रेय हमारे मम्मी पापा, टीचर तथा दोस्तों को जाता है। परीक्षा में अच्छे से मेहनत, रेगुलर प्रैक्टिस किया गया तथा कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टीचर के सपोर्ट से पढ़ाई अच्छे से हुई। कई छात्राओं ने बताया कि आगे वे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनना चाहते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए हाई स्कूल में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली मान्या सिंह तथा अन्य छात्राओं ने कहा। विक्ट्री का साइन बनाओ ना, विक्ट्री बनाओ, ऐसे करो। आप जो सेकंड टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट की जो सेकंड टॉपर आपको, फर्स्ट टॉपर कहाँ के? बनाइए सब लोग बनाइए। अरे शोर भी मचा सकती है। हेलो, अरे गर्मी में आया खुशी। इधर देखो, इधर मान्या सिंह। उठाओ 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 उठाओ, पैर को तो पकड़ो। मैं भी नंबर तो आपको बात करवा दे रहा हूँ। मोबाइल पीछे रखिए थोड़ा सा, गिर जाएंगे। वोटिंग कर दो ना। मेरा नाम सफिया खान है और मेरा 85% आया है बोर्ड में और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और क्या बोलना, इसका श्रेय मेरे सारे टीचर्स को, मेरे सिस्टर प्रिंसिपल को और मेरे पेरेंट्स को, सबको जाता है इसका श्रेय। तैयारी तो की थी, बहुत मेहनत की थी और जितनी मेहनत की थी उतना अच्छा परसेंटेज भी आया। मैं अपने परसेंटेज से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और मैं 83.5% मतलब मेरा है। जी मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा और अपनी दीदी को। सर रोज़ मतलब प्रैक्टिस करिए, दो मतलब कम से कम 2-3 घंटे पढ़िए और फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम आए तो थोड़ा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। ये हाँ जी सर। मेरा नाम आदित्य शुक्ला है और मेरा 83.83% आया है। किस तरह से लेना चाहती हूँ अपने? किसको से देना चाहती हैं? अपनी टीचर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। किस तरह से अपनी तैयारी की थी?
मैंने तैयारी मतलब बहुत आसानी से हो गया था, शुरू से ही पढ़ना पड़ा था। मेरा नाम श्रद्धा त्रिपाठी है और मेरा बोर्ड में 84% आया है और बहुत मेहनत किए थे, भले एक्सपेक्टेशंस जितना नहीं आया लेकिन अच्छा आया है और मेहनत किए थे तो अच्छा तो ऑफ कोर्स लग रहा है। किसका श्रेय देना चाहते हैं? पहले तो मम्मी पापा का ऑफ कोर्स, बहुत मेहनत की वो लोग मेरे साथ, और उसके बाद मेरे टीचर्स जो मतलब पूरे 24/7 हम मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार थे, ट्यूशन वाले सर, कोचिंग में, स्कूल में, सब लोग बहुत मेहनत किए हैं। हाई स्कूल? हाँ हाई स्कूल है, क्लास 10th। किस तरह से तैयारी की थी? पूरे दिन पढ़ना पड़ता था, पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता था, लेकिन पढ़ना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही, बहुत मेहनत की है तो ऑफकोर्स रिज़ल्ट अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। मेरा नाम फ़ाइज़ा हसन है। जी खुशी तो बहुत हो रही है, मेहनत किया था तो उसी का। कितना परसेंट आया? 88%। जी 10th का। सारे सब्जेक्ट पे फोकस किया था और ये भी क्या कहते हैं, कोचिंग भी नहीं की क्योंकि मेरे सारे क्लासमेट्स कर रहे थे तो ये उसके बाद भी 88% तो बहुत अच्छा लगा। किसको श्रेय देना चाहते हैं? हम अपने खुशी का श्रेय अपने प्रिंसिपल, टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, इन सबको। फातिमा जैनब। कैसा? मैं बहुत 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 खुश हूँ, मुझे मैंने इस साल बहुत मेहनत की थी, मुझे पूरा यकीन था कि मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा 90.3% है। किसको श्रेय देना चाहती? मैं अपने पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली सबको ये कंट्रीब्यूशन दूँगी, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है, इसमें पूरा सपोर्ट दिया है मुझे। जी क्या करना चाहती? मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सृष्टि त्रिपाठी। 83%। हाँ कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। आप भी बताओ किसको श्रेय देना चाहती हैं? मम्मी पापा और टीचर्स। कितने मेहनत की है? मेहनत मतलब हर दिन का रोज रोज का पढ़ना है बस, और एग्जाम के टाइम में थोड़ी एक्स्ट्रा। आगे क्या बनना? आगे हमें लॉ करना है, बनना IAS है। कितना परसेंट? 89%। कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो है। किसको श्रेय देना चाहती हैं? माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर एंड माय टीचर्स। किस तरह से पढ़ाई की? बस वही रोज का डेली रूटीन, कंसिस्टेंसी। क्या बनना चाहते हैं? आगे तो नीट करना है। जयती। कितना परसेंट है? 89। हाँ हाई स्कूल का परसेंट। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसका श्रेय देना चाहते हैं? मम्मी पापा को, टीचर्स को, फ्रेंड्स मेरे। अरे मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोरोना काल ऑनलाइन? हाँ बीच में ऑनलाइन आया था तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन टीचर्स का सपोर्ट था तो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो गई थी। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट की तैयारी भी कर रहे हैं। सौम्या मणि त्रिपाठी। 88%। खुशी तो बहुत है, थोड़ा और अच्छा आ सकता था, बस कंप्यूटर में थोड़ा सा नहीं हुआ, बाकी अच्छा आया है। अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, सिबलिंग्स, कजन सबको श्रेय देना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मान्या सिंह। कितना परसेंट आया आपका? 93.5। कितनी खुशी हो रही है आपको? मज़ेदार, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। किसका श्रेय देना चाहती हूँ? सबको सबको, मम्मी पापा को, भैया को, श्रुति, मेरे बाकी दोस्त और मेरे टीचर्स सबसे ज़्यादा। किस तरह की तैयारी की आप? प्रीबोर्ड के बाद तैयारी हम लोग चालू किए थे, सारे लोग साथ में हम लोग पढ़ते थे, मतलब पता रहता था कि कौन कितना तक जा रहा है, कितना किसका कंप्लीट हो रहा है, तो हम और श्रुति साथ में ही पढ़ते थे, मतलब ऐसा। क्या बनना चाहती हैं? UPSC देखेंगे आगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निपथ योजना के संबंध में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को अति आवश्यक बैठक हुई संपन्न। सुझाव कमियों के संबंध में की गई चर्चा। पूर्व सैनिकों ने कहा बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने की है जरूरत। पानीपुरी बेचने वाले कन्हैया निषाद के पुत्र आकाश निषाद ने 10वीं UP बोर्ड की परीक्षा में 93.8% अंक पाकर जिले में हुए अव्वल। इंजीनियरिंग करके IAS बनना चाहते हैं आकाश।
अग्निवीर योजना के विरोध में कैंट पुलिस ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर पीएसी जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। एसपी सिटी ने कहा, फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था किया जा रहा है, कायम स्थिति है सामान्य। तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, तहसील समाधान दिवस में कुल आए 40 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम हुए जारी। जिले में हाई स्कूल में 88.60% तो इंटरमीडिएट में 84.75% परीक्षार्थी हुए पास। आकाश निषाद 93.83% अंक पाकर बने जिले के टॉपर। मान्या सिंह 93.50% अंक हासिल कर रही दूसरे स्थान पर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शनिवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा, बाएं लेन खाली रखने के लिए बार बार अनाउंस करके लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SLWM में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों की बैठक हुई। संपन्न कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों को दिए निर्देश। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई को 10 यातायात बैरियर किया भेंट। कहा, आमजन में यातायात के नियमों एवं कोरोना के प्रति तत्परता और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भेंट किए गए हैं यातायात बैरियर। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शनिवार को नगर निगम में स्थित आईटीएमएस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी सिटी ने कंट्रोल रूम में कैमरे के माध्यम से विभिन्न चौराहों के ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि आईटीएमएस द्वारा पुलिस को एक बड़ी सुविधा मिली है, जिससे ट्रैफिक में काफी सुधार आया है और क्राइम भी काफी कंट्रोल में है, लेकिन विभिन्न चौराहों पर कुछ समस्या आ रही है। उन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाय लेन खाली रखने के लिए पूरे 21 चौराहों पर आईटीएमएस कंट्रोल रूम से बार बार अनाउंस करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, तो इसमें आपके पास कितने टाइम का वो रिकॉर्डिंग है? सर रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ। जी जी, बेसिकली सर ये जो प्रोजेक्ट्स है एएनपीआरएलवीडी मींस ट्रैफिक के रिगार्डिंग है, तो सर जनरली क्या हुआ था, ये आरएपी में ये प्रावधान था कि जितने भी व्हीकल्स का ट्रांजेक्शन होगा शहर में से निकलने वाले व्हीकल्स का, उसका सिर्फ ट्रांजेक्शन आता है, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ये लेफ्ट लेन उनको रोक के उनका चलान किया जाए, अधिक से अधिक चलान होना चाहिए, जो भी चौराहों पे रेड कलर का टी शर्ट जो सबसे आगे बिना हेलमेट है आपका चलान किया जा रहा है कंट्रोल रूम के द्वारा। ये सबसे आगे जो है दीवान जी जो भी है देख लें इनका, इनका ग्रुप में फोटो खींच के भेजें, इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ से अभी पीछे नहीं किए हैं, पीछे करिए, ये पीछे करिए, ये स्टाफ लाइन के आगे खड़े हैं फोर व्हीलर, पीछे करिए और होने चाहिए, अगर उसके आगे खड़े होंगे तो चालान कर दिया जाएगा। और पीछे करिए, जो भी टू व्हीलर लेफ्ट लेन को ब्लॉक करेंगे उनका भी, ये हरा कलर का टी शर्ट पहन के पीछे बैठे इनका चालान किया जा रहा है, इनके द्वारा लेफ्ट लेन ब्लॉक किया गया है इसलिए इनका चालान किया जा रहा है। तत्काल आप बाएं लेके चले जाइए, अगर आपको चालान से बचना, सर्वर काम नहीं कर रहा था, सर्वर नहीं रहा, सर्वर यहाँ से खोलते हैं सर। बैठो भाई, बैठो ना, बैठो। हाँ हाँ बताओ बैक टू बैक, दो तीन जगह पर सिंगल ना वो जल्दी पूरने नहीं है कचहरी पे भी ले जाइए एक बार। एयरपोर्ट अप्रोच जो आ रही है उसको 100 सेकंड्स दी गई है, एयरपोर्ट से जो आ रही है सबसे, और एग्जिट को, एग्जिट को 50 सेकंड्स दिया, 55 सेकंड्स दिया गया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, एंड फ्रॉम कवाबा फ्रॉम पेडलेगंज 55 दिया है, उसका लेफ्ट है फ्री है, ठीक है, एंड फ्रॉम द कवाबा अगेन इट इज 50। सो ये वैसे हमने कन्फिगर किया है, ठीक है। बेसिकली सर मोहदीपुर में हम अजयपुर लॉजिक उसमें डेवलप करने जा रहे हैं, जो कुडाघाट से जो आ रहा है वहाँ पे ट्रैफिक को थोड़ा और रुकाया जाएगा, ताकि क्या होता है सर जो एक साथ जितने भी फ्लोज आ रहे हैं वो इतना एक साथ फ्लो मोदीपुर पे स्ट्रिक्ट ना होगा वो आए, और पेडलेगंज पे वो बेसिकली सिंक में नहीं था, तो पेडलेगंज को भी एक्टिव कर दिया है, तो पेडलेगंज से जो फ्लो आ रहा है, तो मीन्स मोदीपुर में अर्लियर क्या था सर सीनियर कि सारे जो फ्लोज थे वो डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहे थे, वैसे बूम बैरियर लगवा रहे हैं अभी, वो बूम नहीं, वो वाले कौन से हैं उनको क्या कहते हैं, सो जो येलो कलर के होते हैं टाइप, सो दैट फ्री टर्न जो है करेक्ट जी रहे, गाइड करते रहे, यू हैव टू स्टैंड ओनली इन दिस लाइन।
आईटीएमएस एक बहुत ही बेहतर सुविधा गोरखपुर पुलिस को मिल रही है। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है एवं काफ़ी क्राइम कंट्रोल में भी इससे मदद मिली है। लेकिन कुछ चौराहों पर किसी प्रकार की समस्या आती रही हैं। उन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए आज जैसे फॉर एग्जांपल मोदीपुर चौराहा है, उसमें ट्रैफिक का और बेहतर बनाने के लिए इस आईटीएमएस के सहयोग से कूड़ाघाट एवं अन्य एरियाओं से आने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बेहतर सुविधाएं बनाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। जागरूकता के लिए 21 चौराहों पे यहाँ से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, अखबारों में बताया जा रहा है और भी अन्य प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को लेफ्ट टर्न फ्री जो है उसकी कंसेप्ट जो समझ में आए। जिस भी तरीके से ट्रैफिक का सोल्यूशन होगा वो सारे प्रयास किए जाएंगे ताकि जनता को सहूलियत हो। कैंट पुलिस ने कूट रचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान राजेंद्र प्रसाद पुत्र शिवपूजन निवासी मिर्जापुर टोला उमरपुर थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादिनी कमला कुमारी पत्नी सतीश कुमार निवासी मोती पोखरा बसारतपुर मकान नंबर 148 साकिन मोहल्ला गुलेरिया थाना पिपराय जनपद गोरखपुर के द्वारा 8 फरवरी सन 2000 को जगजीत व शिव पूजन द्वारा उनका संपूर्ण हक व हिस्सा क्रय कर लिया गया था। जगजीत की 1989 में मृत्यु होने के बाद यह जानते हुए कि शिव पूजन के द्वारा 2000 में अपना संपूर्ण हक व हिस्सा कमला के पक्ष में बैनामा कर चुके हैं, यह जानकारी होने के बावजूद विक्रेता के वारिसों ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपना नाम बतौर वारिस दर्ज करा लिया तथा सोची समझी साजिश के तहत राजेंद्र पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन द्वारा 4 जून 2021 को दर्ज कराए गए वारिसगढ़ रामकृपाल मुन्नालाल व विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय जगजीत व योगेंद्र रविंद्र पुत्र स्वर्गीय शिव पूजन व शीला देवी पत्नी इंद्राशन निवासी मिर्जापुर टोला उमरपुर तहसील सदर जिला गोरखपुर से सोची समझी साजिश के तहत अपने अन्य भाइयों से पिता व चाचा के द्वारा पूर्व में बेची गई जमीन का बैनामा अपने पक्ष में गवाहन अरुण सिंह पुत्र मनोरंजन सिंह व आर्यन पुत्र मजनू की मौजूदगी में रजिस्ट्री बैनामा करा लिया था। जब इसकी जानकारी बाद में कमला कुमारी को हुई तो उसने तहसील में प्रार्थना पत्र देकर उनका नाम निरस्त कराया गया है, जिसके संबंध में कमला कुमारी द्वारा 23 अप्रैल को कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसको देखते हुए अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए माफी मांगा, जिसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक चंदन खरवार, कांस्टेबल राजीव यादव, मृदुल कांत सिंह, रोहित यादव शामिल रहे। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में SLWM में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों का बैठक सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के निमित्त 2021-22 वित्तीय वर्ष में वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत चयनित 308 राजस्व ग्राम में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय किए जाने के संबंध में संबंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के साथ समीक्षा बैठक की गई है। सभी ग्राम प्रधानों सचिवों को निर्देश दिया गया है कि काम पूरा कर उपयोग किए हुए राशि का भुगतान करा ले, जिससे किस्त की धनराशि के दूसरी किस्त का भुगतान किया जा सके। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत बच्चा सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शशिभूषण सिंह सहित ग्राम प्रधान व सचिव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए GPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, नहीं उसके लिए आप रोना रो रहे हैं, हमें आपको पैसा एडवांस दे रहे हैं फिर भी आप सोखता कर रहे नाली बनाने पैसा नहीं निकाल पा रहे, तो ये वजह मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? करिए सेक्रेटरी कौन है प्राइस के? अरे कौन है वहाँ से?
केएम सिंह फोन करो। आयरोनी बोला है आपको खर्च कराना है प्रधानमंत्री, क्या समझना है इसमें? क्या अभी अभी मनरेगा के सारे प्रधान भी रो रहे हैं, सारे सचिव रो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, हम आपको पैसा एडवांस में दे रखे हैं और काम कराना क्या हुआ आपको पता है? क्या समझ में नहीं आ रहा है? नहीं इसलिए हमने बहुत पहले आपको सॉल्यूशन दे दिया था, ये घर इधर तीन लोग हैं, तीनों भाई अगर हैं, तीनों भाई का एक साथ एक अड्डा बनवा दिया और समुदाय हो गया, बदले करने एक लोगों का परिवार का एक साथ ही करना है, क्या है? तो फिर देर में नहीं थी क्या हो रहा है? तो बार बार कहा जाए समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पैसा नहीं है तो समझ में आता है कि पैसा नहीं है, काम नहीं कर रहे, बिना पैसे के काम करा के मनरेगा में से वो आराम से करा लिया अपने काम, यहाँ पैसा आपको पहले दे रखे हैं काम नहीं करा रहे, ये तो पूरा मतलब आपकी लापरवाही, प्रधान लोगों को पता भी नहीं है, बहुत प्रधान लोगों को आपने कम्युनिकेट भी नहीं किया करना है, सर वो अब्दुल सिंह का भी काम है, हम अब्दुल सिंह का भी काम होगा, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, करना होगा आपको, कराइए आप कितना पेमेंट हो जाएगा? तो 3.5 लाख रुपए सरेंडर ऑन नामी पे है, उसके बाद 200 है एक तीन पर लेकर, हाँ दोनों कर दी, दोनों पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पेपर तो प्रधान जी लोग भी आए हुए हैं, तो मैं एक बार एक चीज बता देता हूँ कि कुछ क्वेरीज आपके मन में होगी, किसमें हमको पेमेंट करना है, सोखता गड्ढा कैसे बनाना है, तो सबसे पहले सोखता गड्ढा जितना भी आपका इंडिया मार्ग का हैंडपंप है वहाँ आप आराम से बना लीजिए सोखता गड्ढा, हाँ वो स्कूल हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, पंचायत हो गया, ऐसे जगह पे जहाँ भी आपका इंडिया वाल का हैंडपंप है वहाँ सबसे सुखता गड्ढा बना दी, कुछ देर आप चबूतरा चढ़वा लीजिए, अच्छे चबूतरे बन जाते हैं तो उसका यूज बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, वहाँ बनाइए, उसके बाद सामुदायिक सुखता गड्ढा इसमें बना सकते हैं, व्यक्ति का सुखता गड्ढा अलाउड नहीं है, तो इसमें सामुदायिक कैसे करेंगे बताइए, किस लोग परिवार के इकट्ठे में देने का तो वो नहीं देंगे कभी, एक घर में दो भाई रहते हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अलग 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 राशन है कार्ड है, वो सामुदायिक हो गया, एक से अधिक जहाँ भी है दो लोगों के परिवार है, तीन लोगों के परिवार को जोड़कर अगर आप एक सोखता गड्ढा बनवा रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज सामुदायिक सोखता, वो आप बनवा लीजिए, अगर 50,000 भी निकाल ले रहे हैं तो वो भी चलेगा। एक चीज और है, जो एस्टीमेट बना हुआ है वो पुराने सूरत पर बना हुआ है, ये जो आज जो बैठक है ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सरकार की तरफ से गोरखपुर में 308 राजस्व गांव में 20,84,00,000 रुपया मिला है, ये उसे खर्च करने के लिए किस तरह से खर्च करना ये प्रधान जी लोगों को बताया जा रहा है, तेज़ी से कैसे खर्च करके गांव में जो ठोस और द्रव कूड़ा का जो समस्या है उसका प्रबंधन कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए, जो समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई, उनकी समीक्षा की जा रही है कि ग्राम पंचायत वार, ताकि वो धनराशि का सही से सदुपयोग करें और गाँव जो है ठोस और द्रव कूड़ा से मुक्त हो सके। सर कुछ काम के बारे में बात की जो काम नहीं हुआ? हाँ कई ग्राम पंचायतों में जैसे काफ़ी लगभग 308 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों में कार्य करा करके भुगतान कराया गया है, जबकि मंगलवार को इसको लेकर के मुख्य सचिव सर की वीसी भी है, इसीलिए इन सबों को बताया जा रहा है कि काम कराना है, इसमें ज़्यादातर सोखता से रिलेटेड काम कराना है या नाली से रिलेटेड काम कराना है या खाद गड्ढा से रिलेटेड काम कराना है, जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता इस काम को करने में लगता है, इन लोगों को बताया जा रहा है कि लग करके लोग काम आप लोग काम कराइए और अगले 2-3 दिनों में कार्य करा करके इसका MB करा करके भुगतान करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई को 10 यातायात बैरियर भेंट किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विजय चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख LB झा द्वारा SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई को 10 यातायात बैरियर भेंट की गई, जिसके संबंध में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख LB झा ने बताया कि यातायात पुलिस यातायात सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग सतर्क और तत्पर रहती है, उनके इन प्रयासों की सराहना करता हूं, जिससे आमजन में यातायात के नियमों एवं कोरोना के प्रति तत्परता और जागरूकता उत्पन्न हो सके। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग देश की सबसे बड़ा और जिम्मेदार विभाग है। इस अवसर पर SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, कोतवाली CO विमल कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी कल्याण सिंह सागर, मुख्य प्रबंधक विनोद तिवारी, परविंदर सिंह भाटिया, संदीप जायसवाल, विकास कुमार, अंजलि कुमारी डोली, श्वेता शुभलक्ष्मी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख LB झा ने कहा, हाँ,
अपने जनपद की 10 प्रोमिनेंट हर एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर योर पब्लिक सर। ये 14 साल है, मैंने हर साल 10 बैरिकेड की प्रथम जो हमारी बजट आती है उसमें हम देने का कोशिश करते हैं। उसी के तहत सर यह हमारा पहला बजट भी हम 10 बैरिकेड की दे रहे हैं सर। हमें उम्मीद है कि सर आपके यातायात को मैंने थोड़ा सुचारू करने के लिए और सहज बनाने के लिए आपको ये काम। थैंक यू सर। ऐसे घुमा दीजिएगा सर, ऐसे इतना कोई सोचता नहीं है। नो वन थिंक्स दैट मच और यू बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 4 इयर्स रियली रियली समथिंग थैंक यू सर। थैंक यू और आगे भी सर हम करेंगे सर। यूपी पुलिस दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो वेस्टेड ऑफिसर्स जो हैं इसी राज्य में, और यूपी पुलिस की पूरी मतलब मुझे लगता है भारत में नहीं पूरे विश्व में इस समय कानून व्यवस्था इतनी चर्चा हो रही है। जिस तरह आप लोगों ने जो माया जो पूरा बाहर की है, तो कोरोना में जो काम किया, हम लोग सब घर पे रहते थे, आप लोग अपना डर बीमारी का डर आपको नहीं रहता था, आपके पुलिस वाले हर जगह चेक करते थे, अपना कर्तव्य बिल्कुल निभा रहे थे। हर व्यक्ति हर डिपार्टमेंट ने कोरोना अपना काम किया है। पुलिस के लोग फ्रंटलाइन पे थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दी, तो उनके जान देश के लिए लोगों की सहूलियत के लिए थी। और आप लोग जो कर रहे हैं मास्क करना बहुत ही कमेंडेबल है, कोई इतना सोचता नहीं है कि बैंक वाले किस तरह का ट्रैफिक वगैरह का कोतवाली वाला जो है बताया बहुत अच्छा होगा रियली नाइस। इसका यही उद्देश्य है कि पुलिस हमेशा सजग सतर्क और तत्पर रहती है, नागरिक सुरक्षा के लिए अपना वो योगदान देती रहती है। तो क्या है कि ऐसा कहा गया है कि एक बैरिकेटिंग 10 पुलिस के बराबर होता है, तो इसी के तहत जो है वो हर साल हम लोग 10 बैरिकेटिंग लगातार 4 वर्षों से देते आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि पुलिस को ट्रैफिक या भीड़ भाड़ को मतलब कंट्रोल करने में उनको मदद मिलेगी। क्या अपील करना चाहेंगे सर लोगों से? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि लोग जो है सो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जो भी पुलिस का या ट्रैफिक का नियम है रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल, तो उसका जो है वो पालन करें और जिससे कि भीड़ भाड़ को बचाया जा सके। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निपथ योजना के संबंध में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को अति आवश्यक बैठक हुई संपन्न। सुझाव कमियों के संबंध में की गई चर्चा। पूर्व सैनिकों ने कहा बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देने की है जरूरत। पानीपुरी बेचने वाले कन्हैया निषाद के पुत्र आकाश निषाद ने 10वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में 93.8% अंक पाकर जिले में हुए अव्वल। इंजीनियरिंग करके आईएएस बनना चाहते हैं आकाश। अग्निवीर योजना के विरोध में कैंट पुलिस ने रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर पीएसी जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। एसपी सिटी ने कहा फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था किया जा रहा है, कायम स्थिति है सामान्य। तहसीलदार सदर वीरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा तहसील समाधान दिवस में कुल आए 40 मामले, 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम हुए जारी। जिले में हाई स्कूल में 88.60% तो इंटरमीडिएट में 84.75% परीक्षार्थी हुए पास। आकाश निषाद 93.83% अंक पाकर बने जिले के टॉपर। मान्या सिंह 93.50% अंक हासिल कर रही दूसरे स्थान पर। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने शनिवार को आईटीएमएस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कहा बाएं लेन खाली रखने के लिए बार बार अनाउंस करके लोगों को किया जा रहा है जागरूक।
कूटरचित दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करने वाले अभियुक्त राजेंद्र प्रसाद को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SLWM में चयनित 308 ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सचिवों की बैठक हुई, संपन्न कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए ग्राम प्रधानों को दिए निर्देश। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई को 10 यातायात बैरियर किया भेंट, कहा आमजन में यातायात के नियमों एवं कोरोना के प्रति तत्परता और जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भेंट किए गए हैं यातायात बैरियर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।